हाँ जी, तो अभी इस वक्त जनाब जिस नंबल झील का जिक्र हम पहले कर रहे थे डाक बंगला के खड़े होके, अब ये उस नंबल झील में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये कश्ती खड़ी है, लेकिन ये खड़ी है, चल नहीं रही, ठीक है। और हम झील के किनारे बैठे हैं, और इस तरफ जो दो पहाड़ियाँ हैं और उनके दरमियान जो चीरा है, उधर नंबल डैम है, ठीक है जी। और वो नंबल डैम एक सिख आर्किटेक्ट ने बनाया था अंग्रेज़ दौर में, काफ़ी पुराना है वो, ठीक है। और उस नंबल डैम को विज़िट करने सदर अयूब खान साहब भी अपने दौर हुकूमत में आ चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं। बाकी भी कई मशहूर जो है हस्तियां वहाँ विज़िट कर चुकी हैं। और रिसेंटली नंबल कॉलेज जो है ये साथ है, जो पीछे इमरान खान साहब ने जो बनाया इंजीनियरिंग कॉलेज, नंबल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपना एक प्रोजेक्ट जो है इस नंबल डैम पे किया है। और वो प्रोजेक्ट था इस वाटर की जो है वो, अब हमें तो चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, मेजरमेंट के लिए है कुछ, और उन्होंने ऊपर वहाँ पे कुछ उधर ना टूल्स है फिक्स किया हुआ है, ठीक है जी। और उसके अलावा ये है कि सुनने में ये आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, कोई मुसद्दे का खबर नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि उस डैम के उस तरफ से मियाँ वाली मूसा खैल की तरफ से एक सड़क बनाई जा रही है, और डैम के साथ जो है वो हमारे वज़ीर आज़म जो है वो कोई फार्म हाउस टाइप बनाने का सोच रहे हैं, ऐसा हमने सुना है, ठीक है जी। और इस तरफ जो है रिक्की टच करते हैं हम, नंबल कॉलेज भी इसी तरफ आता है, और एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं हाफिज़ जी साहब, उनका मज़ार है इस तरफ, ठीक है जी। और साथ में पहाड़ है जिसमें से मेन रोड जो तलागंग और मियाँ वाली को मिलाता है और रावलपिंडी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वो बड़ी मशहूर बड़ी सड़क है, ठीक है, वो गुजरती है। वो बच्चे खेल रहे हैं, कश्तियाँ आ रही हैं, चल रही हैं। ख़ास तौर पर जो खुशी के मौके होते हैं, जैसे ईद है या कोई दीगर त्यौहार हैं, ठीक है जी, 12 रबीउल अव्वल के मौका पे और ईदैन के मौका पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, फैमिलीज भी आती हैं, विज़िट होता है, ठीक है। और अभी हम शायद आगे जाएं तो डैम के साथ से ये जो पहाड़ हैं, यहाँ से एक पानी निकलता है पहाड़ के अंदर से, ज़ाहिर है वो झील का पानी जमा होते होते कहीं से उसकी वो चश्मा सा वो बन गया, ठीक है। उसको कहते हैं वो गंधक का पानी है, जो जिसके बदन पे खारिश हो वो अगर वो पानी इस्तेमाल करे तो बदन की खारिश है वो